संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर निवासी इरफान पुत्र अमजाद ने थाना पहुंचकर एक शिकायती पत्र हबीब पुत्र नातन के नाम देकर कार्यवाही की मांग करते हुए कहा है कि वह 4 माह से उसके यहां अपना मजदूरी पर ट्रैक्टर चला रहा है, जिसकी वह तय मजदूरी के हिसाब से पैसे नहीं दे रहा है और उसकी रकम बढ़ते बढ़ते 1,15,000 हो गई है। इसी के अलावा उसने अपनी गारंटी पर करणपाल सेन पुत्र गंगा शाह से 32,000 का बारदाना भी दिलाया था, जिसकी कीमत भी वह अदा नहीं कर पाया है। अब पीड़ित बार बार घर के चक्कर काट रहा है, जिस पर उसे हर बार नई बात सुनने को मिलती है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। कहाँ के निवासी? रसूलपुर नगर। आज आप थाने पर आए, क्या मामला है? जी, फिर क्या हुआ? कितने रुपए? 1,15,000 मेरे हैं, मेरे ट्रैक्टर चलाया था मैंने, और 25,000 रुपये बाजाने वाले थे, मेरी जिम्मेदारी पर उन्हें बाजाना होगा लिया था उसके लिए जगह। जी, अब आप संभल पुलिस से क्या चाहते हैं? जी साहब, न्याय चाहता हूँ, मेरे पैसे मिलने चाहिए। बहुत घंटी देता हूँ मुझे, मैं गाँव घर पर जाता हूँ तो मान लेंगे, थोड़ी देर बाद था। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।